आखिरी स्तर जो है वो है अहंकार। ये अहंकार को जो क्रॉस कर दिया वो भगवद्धाम जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से इसलिए यहाँ पर कहा गया है आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं, शिष्य को ट्रेनिंग देते हैं। देख जैसे कि ट्रेनिंग से एक कथा आप लोग सुने होंगे चैतन्य चरितामृत में भी, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर और श्रील श्यामानंद पंडित, आप लोग सुने श्यामानंद पंडित जिनका नाम दुखी कृष्ण दास था, नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित और श्रीनिवास आचार्य, ये तीनों जो है श्रील जीव गोस्वामी से शिक्षा लेने के लिए आए थे। अब खास करके जो दुखी कृष्ण दास जिनको हम श्यामानंद पंडित के रूप में बाद में पहचानते हैं, ये दुखी कृष्ण दास जो है इन्होंने हृदय चैतन्य के शिष्य थे। अब ये आए ट्रेनिंग के लिए, इनको भेजा गया श्रील जीव गोस्वामी के पास। अब जीव गोस्वामी के पास ये आते हैं और आकर ट्रेनिंग लेते हैं। अब मालूम है उनको क्या सेवा दिए, उनको सेवा दिए सेवा कुंज यानी निधि वन जिसको हम कहते हैं वृंदावन में, वहां जाकर झाड़ू लगाना, साफ करना, कचरा उठाना, ये सेवा दिया गया है। अब कोई बोलेगा कि ट्रेनिंग देने के लिए बुला है, भगवत गीता भागवतम ना सिखा के ये तो हमसे काम करवा रहे हैं, कोई मूर्ख ऐसे सोच सकता है। मगर दुखी कृष्णदास भक्त थे, वो जानते हैं कि ये मेरा सेवा है, इसलिए उन्होंने इस सेवा को स्वीकार किया। अब देखिए ये सेवा, ये शिक्षा गुरु जो जीव गोस्वामी उनका आदेश दिए थे, इसको हृदय में धारण करते हुए उन्होंने ये सेवा में लग गए और उन्होंने रोज निधि वन या सेवा कुंज में झाड़ू लगाते थे, साफ करते थे। तो निधि वन में क्या होता है, सेवा कुंज में रात को स्वयं भगवान आकर वहां पर लीला करते हैं। आप लोग सुने हैं ना, अभी भी सिंदूर वगैरह बिखरा हुआ रहता है। तो जहां स्वयं भगवान लीलाएं करते हैं वहां पर उनको सेवा मिला झाड़ू लगाने का, वो भी गुरु की आज्ञा से ये आकर झाड़ू लगा रहे हैं, तो सोचो भगवान कितने प्रसन्न हुए होंगे। तो भगवान ने भी श्रीमती राधा रानी वो बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने क्या किए, अपने जो पायल बोलते हैं पैर में लगाते हैं वो पायल, पायल बोलते हैं ना, हाँ वो गिरा दिए जानबूझ के। तो अगले दिन वो मिल गया किसको, दुखी कृष्णदास। अभी दुखी कृष्णदास को श्रीमती राधा रानी का पायल मिला, वो इतने प्रसन्न हो गए, वो जानते ही श्रीमती राधा रानी का है। तब उन्होंने उस पायल को छुपा दिया। तब वहां एक लड़की आती है, बोलती है ये यहाँ हमारा एक सखी एक पायल छूट गया है, आपको मिला क्या? बोले हाँ मिला है, जो सखी का है उसको बुलाओ तभी दूंगा मैं। वो भी जानते थे ललिता सखी आई थी, तो वो दिए नहीं। तब श्रीमती राधा रानी आती है, तो वहां पर श्रीमती राधा रानी को बोलते हैं, साधारण रूप से आती है एक बालिका के रूप में, वो बोलते हैं कि नहीं मुझे आप अपना असली स्वरूप दिखाओ। तो बोले आप नहीं देख सकते। तब उन्होंने असली स्वरूप भी दिखाया उनको और उनको उनका तिलक बदल गया, उनका नाम हो गया श्यामानंद, है ना, श्यामानंद पंडित बन गया तब से। तो ये श्यामा यानी श्रीमती राधा रानी को जो आनंद देते हैं उनका नाम श्यामानंद हो गया। तब उनके दो हृदय चैतन्य को पता चला कि दुखी कृष्णदास क्या बन गया, श्यामानंद बन गया। तब उन्होंने वो घुस क्रोध से आए कि कैसे कोई शिक्षा गुरु, शिक्षा के लिए मैं भेजा हूँ, आप मेरे शिष्य का नाम बदल देंगे, दीक्षा गुरु तो बदलने के लिए मना है, मैं परसों कह रहा था एक दीक्षा गुरु है दूसरा दीक्षा गुरु से आप स्वीकार नहीं कर सकते, नाम कैसे बदल गया इसका। तब वो जब आते हैं तब बताते हैं दुखी कृष्णदास जिनका नाम श्यामानंद बन गया था, वो बोले कि हे प्रभु मुझे स्वयं श्रीमती राधा रानी ने दीक्षा दी है, मेरा तिलक भी बदल दी है। तो कहने का तात्पर्य है कि ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने नम्र सेवाओं को स्वीकार करने से उनको किसका कृपा हुआ, श्रीमती राधा रानी का कृपा हुआ। तो इसलिए ये नम्र सेवा करना बहुत आवश्यक है, तो इस प्रकार से कहा गया है, इसलिए ये शिष्य का कर्तव्य है। तो शिष्य को कभी भी गुरु के साथ अहंकार से प्रस्तुत नहीं आना चाहिए। एक महाराज जी, विदेश के महाराज जी, वो एक कथा कह रहे थे अपने खुद के जीवन का, वो कह रहे थे, हाँ, एक भक्त कह रहे थे महाराज जी के बारे में। वो एक भक्त के गृहस्थ के घर में एक महाराज जी एक बार रुके थे विदेश में कहीं, तो जहाँ पर मंदिर वगैरह नहीं है तो शिष्य के घरों में गुरु रुकते हैं। तो वहाँ शिष्य के घर में गुरु रुकते थे, तो गुरु नहाने के लिए बकेट में पानी उठा के लेके जा रहे थे। तो शिष्य पूछे, महाराज जी कैन आई हेल्प यू, या हाउ कैन आई हेल्प यू, ऐसे हेल्प के बारे में उन्होंने पूछा। तब उनके गुरु उनके ओर देखे कुछ बोले नहीं, गंभीर होके वो चले गए। तब वो पूछे बाद में कि
महाराज जी मैंने आपको जब पूछा कि मैं आई हेल्प यू, तो आपने गंभीर हो गए, ऐसा मुझे लगा मैंने कुछ गलती किया, क्या ऐसे पूछना गलत था? तब वहां पर महाराज जी, गुरु महाराज उनके कहते हैं कि गुरु शिष्य को हेल्प करते हैं, शिष्य गुरु को क्या हेल्प करेंगे? शिष्य को गुरु भगवद्धाम जाने के लिए, शुद्ध होने के लिए हेल्प करते हैं। आपको ये नहीं पूछना चाहिए महाराज जी हाउ कैन आई हेल्प यू, आपको पूछना चाहिए महाराज जी हाउ कैन आई सर्व यू, मैं आपको क्या सेवा कर सकता हूँ पूछना चाहिए, क्या मदद कर सकता हूँ ये नहीं पूछना चाहिए। इसलिए इस भाव में रहना चाहिए कि गुरु जी मैं आपको क्या सेवा आपका कर सकता हूँ, इस प्रकार से। तो ये सेवा भाव है। तो इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के अनेकों शिष्य हैं जो प्रभुपाद जी उनको बुलाते हैं, बोलते जाओ आप ऑस्ट्रेलिया में प्रचार करो, आप इंग्लैंड में प्रचार करो, आप यहाँ प्रचार करो, वहां प्रचार करो। यहाँ तक है जो शिष्य मेरा चाइना में प्रचार करेगा उसको भगवद्धाम में लेके जाऊंगा, इस प्रकार से भी श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो एक शिष्य श्रील प्रभुपाद जी के चाइना जाते हैं और वहाँ सन्यासी थे, उनका पतन हो जाता है क्योंकि वहाँ भक्तों के संग नहीं है, बहुत साल हो गया, वो वृद्ध हो चुके और बाद श्रील प्रभुपाद चले गए भगवद्धाम, वो तो स्पन भूल गए थे। अंतिम में उनका तबीयत खराब होता है, वो भारत में आते हैं, जब वो शरीर छोड़ने का टाइम आता है वो जय श्रील प्रभुपाद ऐसे बोलते हुए शरीर छोड़, प्रभुपाद उनके सामने खड़े थे क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहे थे जो वहां पर प्रचार करेगा उसको मैं खुद भगवद्धाम लेके जाऊंगा। इसलिए वो भले ही जीवन भर कोई नियम पालन नहीं किए मगर उसको श्रील प्रभुपाद जी स्वयं लेके जाते हैं। बॉम्बे में भी ये घटना ऐसे होता है, एक हमारे बॉम्बे के जो मेन डोनर थे उनको वो कहे थे कि मैं आप बहुत सेवा किए, मैं वो बोले थे कि भगवद्धाम लेके जाऊंगा, उन्होंने उनके अंतिम समय में खुद वहां पहुंच गए थे श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने दर्शन किया। तो इस प्रकार से जो गुरु की आज्ञा को पालन करता है, ऐसा नहीं कि गुरु चले गए तो गुरु मर जाते हैं, नहीं, गुरु शाश्वत रूप में रहते हैं, हमको भगवद्धाम लेके जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आता है, ए स्पिरिचुअल मास्टर नेवर पोजेस एज द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, गुरु कभी भी अपने आप को भगवान नहीं मानते। अगर कोई गुरु अपने आप को भगवान मानता है तो क्या करे, उसको त्याग देना चाहिए। कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी जो अपने आप को गॉड कहता है वो गॉड नहीं, वो क्या है, वो डॉग है। जीओडी गॉड को पलट दो तो क्या हो जाएगा, डीओजी डॉग हो जाएगा, डॉग मतलब कुत्ता। जो अपने आप को भगवान मानता है वो कुत्ता है कि नहीं, भोगता रहता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि गुरु कभी अपने आप को भगवान नहीं मानते, कोई भी गुरु अपने आप को भगवान नहीं कहेंगे। श्रील प्रभुपाद जी को भी पूछते हैं कि आप भगवान हो, बोलते नहीं मैं भगवान का सेवक हूँ, आपको पहचानना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि गुरु का योग्यता है कि वो अपने आप को हमेशा सोचते हैं मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ, मैं सेवक हूँ। श्रील प्रभुपाद जी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यानी उनके गुरु के व्यास पूजा में कहते हुए रोने लगते हैं कि मैं, मेरे गुरु महाराज मैं अयोग्य हूँ, फिर भी मुझे सेवा प्रचार का दिए, मैं यहाँ पर आया हूँ विदेश में और गुरु महाराज आप लोगों को भेजे हैं मुझे मदद करने के लिए, ऐसा बोल बोल के प्रभुपाद रो रहे थे। प्रभुपाद जी भी अपने आप को कृतज्ञ मान रहे थे कि उनके शिष्य उनको मदद कर रहे हैं और अपने गुरु के प्रति उनका बहुत अटूट श्रद्धा था। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कभी नहीं ये बोले कि मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं भगवद्धाम से आया हूँ और मैं तो स्वतंत्र हूँ, ऐसा कभी नहीं बोले। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ के नहीं थे, वो गोलोक वृंदावन से आए थे, श्रील प्रभुपाद जी साधारण नहीं थे। हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम किस आचार्य से हम लोग जुड़े हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे, नहीं उस समय पे जब झांसी में लीग ऑफ डिवोटी था, उस समय पे श्रील प्रभुपाद जी जन्माष्टमी के दिन सुबह जप कर रहे थे, बड़े ध्यान से जप कर रहे थे। उस समय पे वहां पर रो रहे थे श्रील प्रभुपाद जी जप करते हुए, तो उनके जो प्रभाकर जी करके उनके जो शिष्य थे पहला शिष्य, उन्होंने वहां आकर पूछा उनको कि श्रील प्रभुपाद जी तो पूछते हैं कि महाराज आप क्यों रो रहे, तो कुछ बोल नहीं रहे थे श्रील प्रभुपाद जी, वो बोल रहे कि क्यों रो रहे हैं आप। बार बार पूछने पर उन्होंने बोला अभी स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए, और क्योंकि उनके देखिए उनके गले में वैजयंती माला था फ्रेश, और सुबह सुबह अचानक कौन आके उनका हार पहनाएगा, वो पूछे कि ये हार कहाँ से आया आपके गले में सुबह सुबह और क्यों आप रो रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं स्वयं अभी भगवान श्री कृष्ण मेरे सामने आए थे, मुझे गले मिले और मुझे ये हार पहना, ऐसा बोल के रो रहे थे प्रभुपाद जी। देखिए श्रील प्रभुपाद जी स्वयं कृष्ण से कृष्ण का दर्शन किए, गले मिले हैं और भगवान स्वयं हार पहनाए हैं, और किसको बोल ले रहे थे उनको, उनके शिष्यों को बोले कि किसी को मत बताना। उन्होंने प्रभुपाद जी भगवद्धाम जाने के बाद सबको बताया कि श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, स्वयं भगवान उनको गले मिलने आए थे। तो इस प्रकार से इसलिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं है,
फिर भी वो जानते हैं भगवान को मैं दर्शन किया हूँ, फिर भी वो कभी नहीं कहते हैं कि मैं महान हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी मुझे आज्ञा दिए हैं, सेवा दिए हैं, जब भी पैसा मिलेगा मुझे बोले थे ग्रंथ वितरण करो, ग्रंथ बुक प्रिंट करो और प्रचार करो अंग्रेजी में, और मैं वही कर रहा हूँ। इस प्रकार से वो नम्र थे। इसलिए गुरु हमेशा नम्र होते हैं और गुरु हमेशा कृतज्ञ होते हैं अपने शिष्यों के प्रति। ये आचार्यों का ये गुण है। तो इसलिए जो गुरु अपने आप को ये कहता है कि मैं भगवान हूँ, तो वो गुरु नहीं है। इसलिए गुरु सेवक होना चाहिए और गुरु सेवा में लगना चाहिए शिष्यों। बहुत सारे गुरु के बारे में तत्व इस चैतन्य चरितामृत में यहाँ पर वर्णन आता है। कहते हैं कि शास्त्रों में मना किया गया है अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए, इस प्रकार से कहा गया। 45 नंबर श्लोक चैतन्य चरितामृत आपके पास है तो आप पढ़ सकते हैं। या स्क्रीन पे आज नहीं दिखा रहे हैं क्या प्रभु जी? ठीक है, मैं पढ़ लेता। गुरु कृष्ण रूप है शास्त्रेर प्रमाणे, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेन भक्त गणे। तो यहाँ पर कहा गया है गुरु कृष्ण रूप, गुरु जो है कोई और नहीं कृष्ण के ही रूप है। गुरु कृष्ण रूप है, गुरु कौन है? कृष्ण रूप, कृष्ण के ही रूप है। भगवान इस संसार में अलग अलग रूप से प्रकट होते हैं। भगवान इस संसार में भक्तों के हृदय में श्रद्धा के रूप में आते हैं, गंगा जैसा पवित्र नदियों के रूप में आते हैं, भगवान हरिनाम के रूप में आते हैं, भगवान भक्तों के रूप में आते हैं, भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में आते हैं, भगवान श्री विग्रह के रूप में आते हैं, और भगवान गुरु के रूप में आते हैं। भगवान के अनेक रूप है, तो उनके जो मुख्य रूप है हमको उद्धार करने के लिए कौन सा है? वो है गुरु। गुरु के रूप में, गुरु कृष्ण रूप है। गुरु कौन है? कृष्ण का ही रूप है। शास्त्रेर प्रमाणे, यही शास्त्रों का प्रमाण है। हर एक शास्त्रों में यही वर्णन किया गया है कि गुरु कोई और नहीं, गुरु स्वयं कृष्ण ही है। इसलिए कभी भी गुरु का अवज्ञा नहीं करना चाहिए। और आगे क्या कहते हैं? गुरु रूपे कृष्ण कृपा करे न भक्त गणे। गुरु के रूप में कृष्ण का कृपा प्राप्त होता है किसको? शिष्यों को। गुरु के रूप में ही भगवान शिष्यों को कृपा बांटते हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं गुरु का कृपा हमेशा वहां पर रहता है, मगर जो योग्य शिष्य है उस कृपा को स्वीकार करता है, जो अयोग्य शिष्य है उस कृपा को स्वीकार नहीं कर पाता है। इसलिए ये समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से गुरु और कृष्ण में कोई भेद नहीं देखना चाहिए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं द रिलेशनशिप ऑफ ए डिसाइपल, देखिए यहाँ स्क्रीन में आ गया द रिलेशन, 45 नंबर श्लोक चैतन्य चरितामृत का। द रिलेशनशिप ऑफ ए डिसाइपल विद द स्पिरिचुअल मास्टर इज एज गुड एज हिज रिलेशनशिप विद द सुप्रीम लॉर्ड। कहते हैं कि गुरु का शिष्य, गुरु शिष्य का जो संबंध है वो भगवान के संबंध के समान है। A spiritual master always represents himself as the humblest servitor of the supreme, of the personality of Godhead. कहते हैं कि जो आध्यात्मिक गुरु है वो हमेशा भगवान के, परम भगवान के सेवक के रूप में अपने आप को दिखाते हैं। But the disciple must look upon him as the manifested representation of Godhead. फिर भी शिष्य उनको भगवान के ही रूप के रूप में देखना चाहिए, भगवान ही मानना चाहिए। किसको? गुरु को। भगवान जैसा उनका पूजा करना चाहिए, शिष्य का कर्तव्य है। देखिए भगवद गीता से कोट करते हैं, आचार्यम माम विजानीयम नाबमन्येत कर्हिचित नामर्त्य बुद्ध्या सुयेत सर्वदेवमयो गुरुः। यहाँ कहते हैं आचार्यम माम विजानीयात, ये समझो कि मैं ही आचार्य हूँ, आचार्य के रूप में मैं ही प्रकट होता हूं। तो क्या करना है? न अवमान्येत, आप आचार्यों के बातों को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मैं खुद आचार्य हूं इसलिए आचार्य के बातों को उल्लंघन मत करो। ये नहीं कि सीधा भगवान के पास आया, रोने लगा, हे भगवान मैं आपका भक्त हूं। जब आचार्यों की बात आया तो कोई गुरु के अधीन में रहना नहीं चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहता है, ऐसे भक्ति नहीं होता है। आचार्य माम विजानिया ना अवमान्येत, आचार्य के बातों को अवमानना मत करो। कर ही चीज कभी भी नहीं, ना नेवर, कभी भी नहीं। मर्त्य बुद्धिया, उनको साधारण व्यक्ति मत मानो, मर्त्य बुद्धिया नहीं होना चाहिए। असूयेत, ईर्षा के द्वारा
आपको मर्त्य बुद्धि में नहीं देखना चाहिए। इस प्रकार से कहते हैं ये सारे देवताओं के प्रतिनिधि माने जाते हैं। देखिए आगे बहुत अच्छा चीज तात्पर्य में वर्णन करते हैं। द स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑल्सो कॉल्ड आचार्य, गुरु को आचार्य कहते हैं और गुरु को कहते हैं ट्रांसेंडेंटल प्रोफेसर ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। मनु संहिता में कहा गया है आचार्यों का कर्तव्य क्या है, डिस्क्राइबिंग दैट ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर एक्सेप्ट चार्ज ऑफ अ डिसिपल टीचर्स देम द वैदिक नॉलेज विद ऑल इट्स इंटरकेसेस एंड गिव्स देम देयर सेकंड बर्थ। कहते हैं कि गुरु का कर्तव्य क्या है या गुरु क्या करते हैं, एक आचार्य क्या करते हैं। तो ये कहते हुए मनु संहिता में वर्णन किया गया है कि आचार्य क्या करते हैं कि आचार्य शिष्य को ये आध्यात्मिक विद्या में वो निपुण कराते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा में वो निपुण कराते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, आध्यात्मिक ट्रेनिंग देने के बाद उनको दूसरा जन्म देते हैं। दूसरे जन्म क्या है, दीक्षा, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, है कि नहीं, ये दीक्षा होता है, शिष्य आत्मसमर्पण करता है, इसलिए ये दीक्षा ये कुछ नहीं है, हमारे पुनर्जन्म है। इसलिए जो दीक्षित भक्त है वो समझ जाना चाहिए कि मेरा दूसरा पुनर्जन्म हो चुका है, अब मेरे माता पिता कौन है, मेरे गुरु है, तो इस प्रकार से उसको समझना चाहिए। तो सेकंड बर्थ दूसरे जन्म उनको देते हैं। द सेरेमनी परफॉर्म टू इनिशिएटेड डिसिपल अनटू द स्टडी ऑफ स्पिरिचुअल साइंस इज कॉल्ड उपनीति, इसको उपनीति कहते हैं। उपनीति क्या है, गुरु के निकट आना, इसको उपनीति कहते हैं। हम गुरु के और निकट जाते हैं दीक्षा के बाद। कहते हैं आगे, जो व्यक्ति गुरु के निकट नहीं आता है, जो व्यक्ति गुरु से दीक्षा नहीं लेता है, कहते हैं कि वो व्यक्ति शूद्र है। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजः, जन्म से सारे जीव शूद्र होते हैं, संस्कार से वो क्या होते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, द्विज बनते हैं। तो इस प्रकार से हमको गुरु से दीक्षा लेना चाहिए, हरिनाम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहिए। तो गुरु हमको योग्य बनाते हैं भगवान की सेवा के लिए। भक्ति का शुरू तो गुरु ही कराते हैं, गुरु ही स्टार्ट कराते हैं, दीक्षा दे के गुरु प्रोसेस में लाते हैं हम लोगों को। इसलिए यहाँ स्पष्ट कहते हैं जो गुरु से दीक्षा नहीं लिया है वो शूद्र है, ये जानना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार से कहते हैं, आगे वर्णन करते हैं। वायु पुराण में कहा गया है कि गुरु आचार्य किसको कहते हैं, कहते हैं कि वो आचार्य है जो कि शास्त्रों के सारे नियमों को वो समझ रहा है, वो जानता है सारे नियम और वो क्या करता है, अपने शिष्यों को इन नियमों से कैसे जीवन जीना चाहिए वो चीज को सिखाता है, ये आचार्य। आचार्य क्या करते हैं, एक माँ की तरह वो करते हैं सेवा। कैसे, माँ क्या करती है, माँ छोटे बच्चा जब जन्म लिया है उसको माँ सीधा राइस दाल सब्जी चपाती मिर्ची तीखा अचार ये सब नहीं खिलाती है, दाल बाटी नहीं खिलाती छोटे जो बच्चा जन्म लिया है। और माँ क्या करती है, माँ सारे चीजों को खुद खाती है और उसको सार रूप में बच्चे को दूध पिलाती है। वैसे ही आचार्य क्या करते हैं, सारे शास्त्रों को समझते हैं, सारे विधि विधानों को समझते हैं, सारे नियमों को समझते हैं और समझ कर वो क्या करते हैं, सार रूप में शिष्यों को क्या आवश्यक है वही देते हैं। अब देखिए, अगर श्रील प्रभुपाद जी हमको सार रूप में अगर इतना चीजें नहीं देते, श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट कहते हैं, बोलते हैं कि 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, भोग लगा के खाओ, विग्रह का सेवा करो, कीर्तन खूब नाचो, कीर्तन में गाओ, भगवत धाम जाओ। तो भगवान अगर नहीं लेंगे तो मैं लेके जाऊंगा, श्रील प्रभुपाद जी ऐसे कहते हैं। यानी ये आचार्य हमको सारे शास्त्रों में हमको विचलित नहीं करते, सारे शास्त्र दे के हम खो नहीं जाते उस शास्त्रों में, सार रूप में उन्होंने उतना ही काम दिया जितना हम कर सकते। अगर श्रील प्रभुपाद इतना नहीं देते और बोलते ठीक है अध्ययन करो खुद समझ जाओ क्या करना है, तो हम नहीं कर पाते, इतना सरल बना के दिए हैं। देखिए श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य इतना स्पेशल है, आप भक्त लोग जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, ऐसे तात्पर्य आपको कहीं कहीं संसार में नहीं मिलेगा। श्रील प्रभुपाद जी का इसलिए कहते हैं भगवद गीता एज इट इज। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को जो व्यक्ति नहीं पढ़ रहा है वो सही में बड़ा दुर्भागी है। ऐसे साहित्य श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा, ऐसे तात्पर्य उन्होंने लिखा जिस तात्पर्य में संसार के हरे ज्ञान उपस्थित है। ये सारा इंफॉर्मेशन देने के बाद भी वो व्यक्ति हमेशा कंक्लूजन में पहुंचता है कि कृष्ण भक्ति करना है, ये बहुत स्पेशल है। एक प्रभु जी हमारे कह रहे थे कि उन्होंने इस्कॉन में आने से पहले वो विवेकानंद जी का बुक पढ़ते थे, बड़े बड़े बुक पढ़ते थे। वो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि विवेकानंद जी खुद कंफ्यूज थे कि
क्योंकि वो बुक के आरंभ में कुछ और कहते हैं, बीच में कुछ और कहते हैं, आखिरी में कुछ और कहते हैं। इतना बड़ा ग्रंथ है, उसमें सब खिचड़ी है। कहाँ कहते हैं, बंगाल में कहते हैं मछली खाओ, और तिरुपति में साउथ इंडिया में जाके कहते हैं कि आप मछली मत खाओ। वो कब क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, कोई भी ऐसा संत स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया था जितना श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में दिया है। आप कितना भी तात्पर्य पढ़ो, आप बस अचानक 10वां स्कंध खोल दो, 8वां स्कंध खोलो, कोई भी स्कंध खोल दीजिए, आपको आखिरी में हर एक तात्पर्य का कंक्लूजन में कृष्ण भक्ति ही मिलेगा। ये आचार्य खुद स्पष्ट था उनको क्या करना है, वो लोगों को स्पष्ट कराए क्या करना है, वो कंफ्यूज नहीं किए। ऐसा नहीं कि मैं फर्स्ट कैंटो पढ़ा, सेकंड कैंटो पढ़ा, तीसरा कैंटो आते आते कंफ्यूज हो गया कि क्या करना क्या है मुझे, ऐसा नहीं। आप अगर सही में श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य को पढ़ेंगे, आपको यही निष्कर्ष निकलेगा, चांट हरे कृष्णा बी हैप्पी, भगवान के नामों का जप करो, भगवान का भक्ति करो, यही सार है। इसीलिए इस्कॉन के छोटे से छोटे बच्चे भी बड़े बड़े फिलोसोफर को हरा सकते हैं, उनको सारे सार पता होता है। इसलिए कभी भी याद रखिए, श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्यों को एक दिन भी बिना पढ़े नहीं खोना चाहिए, वो दिन आप पढ़ना ही चाहिए। और दूसरा खासियत है श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्यों का, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने के बाद कोई व्यक्ति अपने आप को पंडित नहीं मानता। देखिए बाहर के लोग जब पुराण शास्त्र पढ़ लेते हैं, इतना अपने आप को पंडित मानते हैं कि दूसरों को वैल्यू नहीं देते, सोचते मैं बहुत जानता हूँ। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने के बाद कभी कोई ये महसूस नहीं करेगा कि मैं जानता हूँ, फिर भी वो सब कुछ जानता रहता है, उल्टा वो बहुत नम्र बन जाता है, उनके अनर्थ नष्ट हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ है हमारे लिए औषध है, हमको हमेशा स्वस्थ रखता है आध्यात्मिक जीवन में। इसलिए हरेक इस्कॉन भक्त का ये कर्तव्य है, उसको कंपलसरी श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना है, निश्चित रूप से पढ़ना है। जैसे 16 माला जप करना नियम है, जैसे 4 नियम को पालन करना अनिवार्य है, वैसे श्रील प्रभुपाद जी का ग्रंथों को पढ़ना भी अनिवार्य है। ये किसी भी हाल में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से इसलिए कहते हैं कि गुरु आचार्यों को वायु पुराण में क्या कहा गया है, वो आचार्य जो सारे नीति नियम को समझते हैं और शिष्यों को सार रूप में सिखाते हैं। इसलिए कहते हैं कि शिष्य जो कभी भगवान को देखा ही नहीं है तो किसके आसरण में जाएगा, वो कहां पर जाकर ये बोलेगा कि मैं आपको पूरा शरणागत हो रहा हूं, आप अभी जो बोलेंगे वो करूंगा। भगवान तो कह दिए सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आओ। अरे आपके शरण में जाए तो कहां जाए, कैसे जाए, करें क्या, आप कैसे आप रिपोर्ट लेंगे मेरा कि मैं क्या कर रहा हूं, आप तो बात करेंगे नहीं विग्रह के रूप में, तो किसके शरण में जाना है। तो कहते हैं कि संसार में भगवान का आश्रय विग्रह किसको कहते हैं, गुरु को कहते हैं। गुरु का एक और नाम है आश्रय विग्रह, वो जाके वहां गुरु के शरण में आश्रय लेना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी इसको स्पष्टीकरण देते हैं, कहते हैं कि भगवान करुणावश क्या करते हैं, गुरु के रूप में आते हैं, आचार्य के रूप में आते हैं, आचार्य के रूप में आकर सारे लोगों को शरण देते हैं। इसलिए भगवान का आश्रय विग्रह कौन सा है, गुरु है, गुरु भगवान के आश्रय विग्रह है, इस प्रकार से कहा जाता है। इसलिए गुरु कोई और नहीं, स्वयं भगवान है, इसलिए उनके शरण में जाना चाहिए हमको, गुरु के शरण में। जीवन का कोई भी समस्या हो, गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरुदेव जो बोलते हैं उसी को ही अल्टीमेट मानकर चलना चाहिए, इस प्रकार से शास्त्रों में कहा जाए। आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति, इफ ए पर्सन हिमसेल्फ एज एन आचार्य बट डज नॉट हैव एन एटीट्यूड ऑफ सर्वेटरशिप, बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कल परसों कोई प्रश्न पूछ रहे थे ना, गुरु का योग्यता क्या है, उन प्रश्न का उत्तर देखिए यहाँ पर है। कहते हैं कि जो अपने आप को गुरु मानते हैं या आचार्य मानते हैं या कोई प्रचारक भी क्यों ना हो, जो इस्कॉन में जो प्रचार करते हैं वो भी शिक्षा गुरु है, कोई प्रचारक भी क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति के अंदर अगर भगवान के प्रति दासत्व की भावना नहीं है, मैं भगवान के सेवक हूँ समझ के अगर वो सेवाएं नहीं करता है, तो कहते हैं कि वो अपराधी है और वो आचार्य बनने की योग्य नहीं है। इसलिए हरेक प्रचारक, हरेक भक्त जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रतिनिधित्व करता है, और गुरु आचार्य क्या करना चाहिए, भगवान के दासत्व को स्वीकार करना चाहिए, हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इतना पढ़ाता हूँ कि मुझे अपना भगवान की सेवा के लिए टाइम ही नहीं है। नहीं, श्रील प्रभुपाद जी देखिए कितना भगवान का आरती करते थे, सेवा करते थे। श्रील प्रभुपाद जी इतने सारे प्रवचन देने के बाद भी वो रात भर बैठकर क्या करते थे, ग्रंथों का तात्पर्य ट्रांसलेट करते थे, सारे बुक्स का पूरा रात 2 घंटा सो के वो अनुवाद करते थे, बहुत मेहनत करते थे, विश्व भर में भ्रमण करते थे,
और वो अनेकों शिष्यों को गाइड करते थे, वो कितना सारा सेवा किए, विग्रह स्थापना करते थे और वो कीर्तन भी गाते थे और वो रथ यात्रा जैसे उत्सवों को मनाते थे। इतना मेहनत उन्होंने इतना वृद्धावस्था में किए, ऐसा नहीं कि व्यासासन पे बैठ गया और बस आशीर्वाद देता रहा, शिष्य लोग सब आप लोग सेवा करो, मैं गुरु बस बैठा रहूंगा, ऐसा नहीं। उन्होंने खुद मेहनत किया, वो भी ऐसी उम्र में मेहनत किया जहां पर व्यक्ति क्या करता है, खाट में पड़ा रहता है कि नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी आचार्य है, परफेक्ट आचार्य है। उन्होंने ऐसे 70 साल के बाद उन्होंने प्रचार शुरू करके उन्होंने विश्व भर में ऐसे मेहनत किए कि वो एक आदर्श प्रस्तुत किए और वो सबको बता दिए कि इस उम्र में भी भगवान के सेवा बड़े उत्साह से किया जा सकता है। सोचिए श्रील प्रभुपाद जी पूरा समय सेवा में थे, वो खाना सोना को महत्व ना देके वो हमेशा ग्रंथों के अनुवाद करना, प्रचार करना। 108 मंदिर बनाए, एक मंदिर बनाने के लिए कितने साल लग जाते हैं। अब उदयपुर में मंदिर कब बनने वाला है, कब से प्रचार चल रहा है, सोचिए कितना समय लगता है। बॉम्बे में भी 35 साल लग गया बॉम्बे एक मंदिर बनाने के लिए, एक एक मंदिर बनाने कहीं साल लग जाता है। श्रील प्रभुपाद जी 10 साल के अंदर कितने बना दिए, 108 मंदिर बना दिए, अद्भुत है कि नहीं। ऐसा व्यक्ति जो इतना मतलब समय दिए, विश्व भर में उन्होंने भ्रमण किया, अनेकों प्रोजेक्ट को संभाला, कितना वर्णाश्रम ये फार्म कम्युनिटी खोले, कितने गौशाला खोले, कितने गुरुकुल खोले, कितने शिष्यों को दीक्षा दिया उन्होंने, कितना कीर्तन किए, कितने ग्रंथों को अनुवाद किए, कितना प्रचार किए, कितना न्यूज रिपोर्टर से बात किए, कितने लेक्चर दिए उन्होंने। सोचिए कितना मेहनत, क्या शेड्यूल हुआ करता था उनका, कितने मॉर्निंग वॉक में कितने सारे उपदेश देते थे, पूरा जीवन उनका व्यस्तमय था। देखिए इतना मेहनत उस उम्र में की, इसलिए वो आचार्य है। अभी के हमारे आचार्य वृंद जो है, देखिए परम जो अभी मेरे जो गुरु महाराज परम जो गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, उनका मैं दिनचर्या को सोचता हूँ तो भक्तों से सुनता हूँ, पूरा दिन व्यस्त रहते हैं, वो रात को 12-1 बजे तक भक्त लोग मिलने आते हैं उनको, क्योंकि शिष्य इतने हजारों शिष्य है तो दुख बताने के लिए आएंगे और गाइडेंस लेने के लिए आएंगे, क्योंकि साल में एक ही बार कभी कभी मिलते हैं महाराज जी को, वो सब सुनेंगे समाधान देंगे। फिर भी वो रात को भले ही 3 बजे क्यों ना आए हो, बाहर से विदेश से आए होंगे भारत में 3 बजे, फिर भी वो 4 बजे मंगल आरती करने के लिए पहुंच जाएंगे। ये उनका निष्ठा देखिए, वो हमेशा वो सारे सन्यासी उनको गुणगान करते हैं, बोलते हैं कि महाराज आप कैसे ऐसे करते हो कि आप कितने भी रात को सोए फिर भी सुबह उठ के मंगल आरती में पहुंच जाते हो, इतने वृद्धावस्था में कैसे आप ये कर पाते हो। सोचिए हम लोग थोड़ा सा बीमार पड़ गए तो हम लोग उठने नहीं होता, सर दर्द हो गया या तो बुखार आने वाला है कल, तो आज से हम लोग सोच रहे थे कल मंगल आरती नहीं जाऊंगा क्योंकि कल बुखार आने वाला है कि नहीं, ये सोच कर नहीं जाते। अब वो देखिए इतने वृद्ध अवस्था में भी वो लोग सेवा करते, ये आचार्य है। इसलिए देखिए समझना बहुत आवश्यक है, जो प्रचारक है प्रचारकों के लिए भी और खास करिए गुरु की, गुरु जो सन्यासी आचार्य है उनके लिए कहा गया, इसलिए प्रभुपाद जी इसको बताते हैं कि उसको सेवा भाव होना चाहिए। इसलिए प्रचार और सेवा साथ में चलना चाहिए। एक प्रचारकों को जो प्रचार जो कांग्रीगेशन प्रीचिंग आप लोग करते हैं, जो कांग्रीगेशन है जो प्रीचिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, अलग अलग भक्ति वृक्ष ग्रुप चलाते हैं, उनको भी ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते भर सत्संग करता हूँ, प्रवचन देता हूँ, लोगों को जोड़ता हूँ, बस मैं भक्त बन गया। नहीं, उनको भी प्रैक्टिकल सेवा सफिशियंटली करना चाहिए, टेम्पल में, घर पे नहीं। घर पे तो सेवा आप करोगे, आपको पर्सनल है ही, मंदिर के मंदिर में आकर पर्सनल सेवा करना चाहिए, सब्जी काटने से लेकर विग्रह सेवा से लेकर साफ सफाई से लेकर कुछ भी सेवा मंदिर में करना चाहिए। इसलिए आपको ये बैलेंस करना है कि मेरा मंदिर में क्या योगदान है। कुछ भी एक आरती भले ही करो आप, मगर करना बहुत आवश्यक है। आप अगर फिजिकली कोई सेवा आप नहीं करोगे, आप क्या सिखाओगे लोगों को। आपने कभी सेवा नहीं किया, मेहनत नहीं किया, अब हफ्ते में एक दिन मंदिर आए दर्शन देने के लिए या महीने में एक बार आए, आप बोलोगे मैं तो हफ्ते भर महीने भर में तो सिर्फ काउंसलिंग करता रहता हूँ, लोगों को जोड़ता रहता हूँ, और आप लोगों को सिखाओगे क्या। अगर खुद ही आपने दासत्व नहीं स्वीकार किया, आप दूसरों को दास बनाओगे कैसे। आप जैसे बॉस बन गए सब बॉस बन जाएंगे, है कि नहीं। इसलिए हमको बॉस नहीं बनना है, क्या बनना है, दास बनना है। इसलिए हर एक प्रचारक को याद रखना चाहिए, कितना भी प्रवचन दे दीजिए, कितना भी आप प्रचार कर लीजिए, खुद अपने जीवन में मेरा क्या सेवा है, मैं एक सेवक के रूप में मैं कितना सेवा भगवान का खुद करता हूँ। अरे मैं तो करवा देता हूँ, मैं बड़ा एक्सपर्ट लीडर हूँ, 10 लोग को सेवा में लगा दिया, काम होने से मतलब है। यहाँ कृष्ण भावनामृत में काम होने से मतलब नहीं है, यहाँ करने से मतलब है, मैंने क्या किया। काम तो हो ही जाएगा, पैसा देंगे तो लोग भी कर देंगे,
है कि नहीं, दो लोग को पैसा दे के रखो, सब्जी काट के कुकिंग करके चले जाएंगे, तो उसमें हमारा क्या एंगेजमेंट है? मैं भगवान का इस हफ्ता क्या सेवा किया, मेरा योगदान क्या है, ये समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए ध्यान रखिए, जो व्यक्ति अगर वो आचार्य बनना चाहता है, प्रचार कर रहा है, निश्चित रूप से उसका मंदिर के प्रति सेवा और लगाव होना बहुत आवश्यक है। कुछ ना कुछ सेवा करना चाहिए, कुछ भी फिजिकल सेवा होना चाहिए, विजिबल सेवा होना चाहिए, दिखना चाहिए सेवा। ऐसा नहीं मैं मंदिर का बहुत चिंता करता हूँ, मैं मंदिर के बारे में बहुत सोचता हूँ, इसलिए मैं 10 लोगों को लाइफ मेंबर बना दिया, खुद आके कोई मेहनत नहीं किया, ऐसा नहीं। खुद करो, भले कितने लोग को जोड़ना है जोड़ो। इस प्रकार से आगे कहते हैं कि द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर ऑलवेज एंगेजेस इन अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। वो जो गुरु होते हैं, आचार्य होते हैं, जो प्रामाणिक होते हैं, वो हमेशा भगवान की सेवा में अहैतुक के रूप से, अप्रतिहता के रूप से सेवा करते रहते हैं। हमारे अभी के आचार्यों को देखिए, देखिए परम पूज्य जयप्रकाश स्वामी महाराज जी, उनके श्वास स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के नहीं है, फिर भी वो हर एक प्रचार में जाते हैं और हर एक प्रोग्राम अटेंड करते हैं, और वो एक तो बोलने में भी तकलीफ होता है, फिर भी वो क्या करते हैं, भक्तों को मिलते हैं, सेवा में रहते हैं हमेशा, और उत्साह से बोलते हैं कि मैं अंदर से नाच रहा हूँ, भले बाहर से मैं नहीं दिख रहा हूँ। देखिए सोचिए, ये आचार्य है, ऐसे स्वास्थ्य में। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज जी भी, वो सोचिए, वो भागवत कथा करना, ये एक बंद नहीं किया, उनका तबीयत खराब हो गया तो कंटिन्यू किए, अभी भी कंटिन्यू करते, भले आधा घंटा के लिए बोलेंगे पर निश्चित रूप से आएंगे भक्तों से मिलने, कथा करने। इसलिए जो आचार्य है वो कभी अपने सेवाओं को बंद नहीं करते, ये आचार्यों का गुण कहा गया है। कहते हैं कि यही वो टेस्ट है कि वो नित्यानंदपुर के प्रतिनिधि है या नहीं है। नित्यानंदपुर प्रचार भी करते थे, सेवाएं भी करते थे। इस प्रकार से कहते हैं कि आचार्य यानी जो खुद सेवा करें। आगे एक वार्निंग देते हैं, ईर्ष्या से ग्रस्त होकर ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करते हैं, जिसका मति इंद्रतृप्ति में लगा रहता है, ऐसे ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है, वो आचार्यों को निंदा करता है। कभी भी आचार्यों को निंदा नहीं करना चाहिए, आचार्यों को द्वेष नहीं करना चाहिए। आचार्यों को द्वेष करना और भगवान को द्वेष करना एक ही बात होता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति का कभी कुछ भला नहीं हो सकता। हमेशा क्या करना चाहिए, आचार्यों को सम्मान करना चाहिए। इसलिए इस यहाँ पर वार्निंग दिया गया है कि ईर्ष्या से ग्रस्त होकर व्यक्ति को कभी भी आचार्यों के प्रति अवमानना नहीं करना चाहिए, यहाँ वार्निंग देते हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो इस प्रकार से इस श्लोक के तात्पर्य में गुरु के बारे में कहते हैं। देखिए आगे वाला श्लोक, 47 नंबर श्लोक, जिनके पास बुक है वो तो देख सकते हैं, शायद प्रभु जी वो अगर स्क्रीन में पिन करेंगे तो सब लोग देख लेंगे। 47 नंबर श्लोक, चैतन्य चरितमानस, जिनके पास बुक है देखिएगा। शिक्षा शिक्षा गुरु के त जाने कृष्ण स्वरूप, अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ यही दुई रूपा। बहुत सुंदर बात कहते हैं यहाँ, शिक्षा गुरु के त जानी कृष्ण स्वरूप, शिक्षा गुरु कोई और नहीं, स्वयं कृष्ण है ये जानना आवश्यक है। अंतर्यामी भक्त श्रेष्ठ, एक अंतर्यामी के रूप में हृदय में है, दूसरा भक्त श्रेष्ठ यानी शिक्षा गुरु के रूप में बाहर भी है, दोनों रूप में भगवान रहते हैं। वन शुड नो द इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर टू बी द पर्सनालिटी ऑफ कृष्णा। आपको जानना चाहिए हमारे शिक्षा गुरु कौन है, ये स्वयं कृष्ण है, और कृष्ण परमात्मा के रूप में अंदर है और भक्त के रूप में बाहर है, ये जानना आवश्यक है। यहाँ पर देखिए तात्पर्य में कहते श्रील प्रभुपाद जी, स्पष्टीकरण देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहाँ वर्णन कर रहे हैं कि जो प्रामाणिक शिक्षा गुरु होते हैं वो स्वयं कृष्ण ही है, और भगवान भी कि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं, शिक्षा गुरु के रूप में और परमात्मा के रूप में। कैसे आते हैं बताइए, शिक्षा गुरु के रूप में और परमात्मा के रूप में? तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, शिक्षा दीक्षा अपना प्रामाणिक जो परमात्मा है कैसे रहते हैं, हृदय में शिक्षा गुरु या चित्त गुरु के रूप में अंदर रहते हैं, और हृदय से हमको क्या करते हो, गाइड तो करते ही है, साथ साथ में वो शिक्षा गुरु के रूप में बाहर भी है। किस रूप से बाहर है? तो कहते हैं भगवत गीता के रूप में बाहर है,
देखिए ये 47 नंबर जो श्लोक स्क्रीन में आ रहा है उसमें आप लोग देख सकते हैं। तो उसमें कहते हैं कि अंदर परमात्मा के रूप में है और बाहर किस रूप में है, भगवद गीता के रूप में है। यानी यहाँ पर कृष्ण शिक्षा गुरु के रूप में भगवद गीता है और परमात्मा के रूप में हृदय में, दोनों रूप से वो क्या कर रहे हैं, ये हमको उपदेश दे रहे हैं, हमको शिक्षा दे रहे हैं। इसलिए तीन रूप यहाँ पर कहा गया है, श्रील प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। पहला रूप क्या है, शिक्षा गुरु जो भक्त के रूप में भगवान है। दूसरा रूप क्या है, परमात्मा जो हृदय में है। तीसरा रूप कौन सा है, वो है भगवद गीता और भागवतम रूपी, जो भगवान के उपदेश है। भगवान के उपदेश के रूप में स्वयं कृष्ण है शिक्षा गुरु, अंदर परमात्मा शिक्षा गुरु, बाहर शिक्षा गुरु भक्त के रूप में शिक्षा गुरु। तीन रूपों में यहाँ पर भगवान हमको शिक्षा देते हैं। सोचिए एक जीव को उद्धार करने के लिए भगवान कितना रूप लेते हैं यहाँ पर हमको सिखाने के लिए, है कि नहीं, ये जानना बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से कहते हैं, आगे कहते हैं, When by learning from a self-realized spiritual master, one actually engages himself in the service of Lord Vishnu. कहते हैं कि जब हम आत्म साक्षात्कार भक्तों से सेवा शिक्षा लेते हैं तब समझ लीजिए हमारा भगवान के प्रति सेवा शुरू हो चुका है। इस प्रकार से तो उन्होंने क्या करता है शिक्षा गुरु, क्या करते हैं, अभिधेय बताते हैं। आप लोग जानते हैं तीन प्रकार के चीज होते हैं, पहला संबंध, दूसरा अभिधेय और तीसरा प्रयोजन। संबंध जानना बहुत आवश्यक है, कृष्ण और हमारे बीच में क्या संबंध है इसको समझना बहुत आवश्यक है। और दूसरा हमको किस प्रोसेस से कृष्ण प्राप्ति करना है जिसको अभिधेय कहा जाता है। और तीसरा प्रयोजन क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये हमारा प्रयोजन है। इसलिए ये जो संबंध है ये भी गुरु से ही शुरू होता है। गुरु क्या करते हैं, संबंध को बताते हैं, जीवात्माओं को बताते हैं कि देखो आप कृष्ण के दास हो, ये आपका संबंध है। और अभिधेय बताने वाले कौन है, वो भी गुरु है, वो शिक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु क्या करते हैं, हमको दीक्षा दे के गुरु भगवान से जोड़ते हैं। शिक्षा गुरु हमको अभिधेय बताते हैं, प्रोसेस बताकर हमको हमारे जीवन में कैसे उस प्रोसेस को पालन करना है वो सिखाते हैं, इस प्रकार से ताकि हम प्रयोजन तक पहुंच सके। आगे कहते हैं कि हम ये अभिधेय को पालन करना ये ड्यूटी बाउंड है, ये हमको पालन करना ही है अभिधेय। जब हम गुरु के शरण में, ये भक्ति का अंग है, भक्त हैं हम, अगर अपने आप को भक्त कहते हैं यानी हमको अभिधेय पालन करना है। अगर आप अभिधेय पालन नहीं करते हैं और अपने आप को भक्त कहते हैं ये हो ही नहीं सकता। भक्त यानी अभिधेय पालन करना चाहिए। अभिधेय कौन देते हैं, गुरु देते हैं। यानी गुरु की आज्ञा के अनुसार जो व्यक्ति नित्य नियमों को पालन करता है उसको ही भक्त कह सकते हैं, ये स्पष्ट हो जाना चाहिए हमको। इसलिए जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा से भक्त नित्य नियमों को पालन करता है या भक्ति के अंगों को पालन करता है वही भक्त है। नहीं तो फिर क्या होता है, तो कहा गया श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रिक विधिम बिना ऐकांतिक हरेर भक्ति रुत्पादेव कल्पते। कोई शास्त्रों के विधि विधान के बिना जो व्यक्ति एकांतिक भक्ति यानी अकेला मनमानी भक्ति करना चाहता है वो समाज में उत्पाद ही मचा सकता है, वो किसी का भला नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं कि अभिधेय का पालन करना बहुत आवश्यक है, इस प्रकार से कहते हैं। आगे कहते हैं कि आवर ओनली शेल्टर इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एंड वन हु टीचेस हाउ टू अप्रोच कृष्णा इज द फंक्शनिंग फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल गॉड स्पिरिचुअल ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। यहाँ पर कहते हैं कि हमारे दो ही आश्रय है, एक तो स्वयं भगवान जिनका प्रेम हमको प्राप्त करना है और दूसरा जो व्यक्ति हमको ये सिखाते हैं कि कृष्ण प्राप्ति कैसे करना, ये ही दो ही हमारे शरण है, इनके शरण में हमेशा रहना चाहिए, कृष्ण और गुरु, गुरु और कृष्ण। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जे गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। कौन ऐसे भाग्यवान व्यक्ति ब्रह्मांड में भटकते हुए गुरु और कृष्ण के कृपा को प्राप्त करते हैं। कहते हैं कि देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द शेल्टर गिविंग सुप्रीम लॉर्ड एंड द इनिशिएटिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर। कहते हैं कि कभी भी हमको भगवान और गुरु में भेद नहीं देखना चाहिए। हम भगवान के शरण में रहना या दीक्षा और शिक्षा गुरु के शरण में रहना, ये एक ही है। और कहते हैं कि इफ वन फुलिशली डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन देम
commits an offense in the discharge of devotional service. जो व्यक्ति ये भेद देखता है कि भगवान के शरण में जाना अलग है, गुरु के शरण में जाना अलग है, शिक्षा गुरु के शरण में जाना अलग है, दीक्षा गुरु के शरण में जाना अलग है, वो अपराध कर रहा है। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि हमें भगवान के शरण में हो, इसका अर्थ है कि मैं किसके शरण में हो, मैं गुरु के शरण में हो। यहाँ देखिए स्क्रीन में दिखा गया है, पूरा हाईलाइट करिए प्रभु जी उसको। ये है कौन सा श्लोक, हाईलाइट नहीं होगा, 47 नंबर श्लोक चैतन्य चरितमृत के, ये 47 नंबर श्लोक में सेकंड पैराग्राफ समथिंग, जब कोई व्यक्ति स्वरूप से थी गुरु, हाँ वो नीचे वाला, उसको आश्रयदाता, हमारे एकमात्र आश्रय वो, वहां से वही तात्पर्य दिख रहा था। हाँ हमारे एकमात्र आश्रय परमेश्वर है। यहां से देखिए, यहां लिखा है हमारे एकमात्र आश्रय परमेश्वर ही है, और जो व्यक्ति यह शिक्षा देता है कि कृष्ण तक किस प्रकार पहुंचा जाए, वो भगवान का कार्यकारी रूप होता है। तो गुरु क्या करता है, यही सिखाता है कि हमको आश्रय किसका लेना है, कृष्ण का ही लेना है, कहीं और वो नहीं भेजता है। आश्रयदाता या शरणदाता भगवान तथा शिक्षा गुरुओं और दीक्षा गुरुओं और शिक्षा गुरुओं में कोई भेद नहीं है। यदि कोई मूर्ख मूर्खता बस इनमें अंतर करता है, वो भक्ति साधना में अपराध करता है, है कि नहीं? थोड़ा पिछले वाला लीजिए ना, तो जो पहले हमने पढ़ा, हाँ देखिए यहाँ क्या लिखा है, आश्रयदाता भगवान, आश्रयदाता या शरणदाता भगवान तथा दीक्षा गुरुओं और शिक्षा गुरुओं में कोई अगर भेद देखता है, मैं कोई भेद नहीं, नेक्स्ट, कोई भेद नहीं होता, कोई अगर मूर्खता बस ये भेद देखता है, अंतर करता है, तो अपराध है। यहाँ पर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सेल्टर गिविंग सुप्रीम लॉर्ड एंड द इनिशिएटिंग एंड इंस्ट्रक्टिंग स्पिरिचुअल मास्टर, यानी गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और आश्रय देने वाले भगवान, इनमें कोई अंतर नहीं है, इस प्रकार से कहते हैं। और जो व्यक्ति ये सोचता है कि ये सब अलग है, मैं भगवान के शरण में हूँ, ऊपर मैं गुरु को स्वीकार नहीं करता हूँ, गुरु के शरण में नहीं हूँ, तो क्या कर रहा है, वो अपराध कर रहा है, इस प्रकार से कहा गया है। आगे कहते हैं द इनिशिएटिंग स्पिरिचुअल मास्टर इज अ पर्सनल मैनिफेस्टेशन मदन मोहन विग्रह। आप लोग जानते हैं कि हमारे तीन चीज के लिए तीन हमारे विग्रह है, संबंध के लिए मदन मोहन विग्रह, अभिधेय के लिए गोविंद देव जी और प्रयोजन के लिए गोपीनाथ जी। उस श्लोक निकालिए प्रभु जी। हाँ, दीक्षा गुरु श्रील मदन मोहन विग्रह का साक्षात स्वरूप होता है, जबकि शिक्षा गुरु श्रील गोविंद देव विग्रह के साक्षात प्रतिनिधि होता है। इन दोनों अर्च विग्रह की पूजा वृंदावन में की जाती है। श्रील गोपीनाथ आध्यात्मिक साक्षात्कार के चरम आकर्षण है, यानी प्रयोजन तत्व है। ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन के तीन विग्रह होते हैं, संबंध के मदन मोहन, अभिधेय के गोविंद देव और प्रयोजन के गोपीनाथ जी। इसलिए दीक्षा गुरु मदन मोहन के रूप होते हैं और शिक्षा गुरु गोविंद देव के रूप होते हैं, इस प्रकार से वर्णन श्रील प्रभुपाद जी करते हैं। आगे के श्लोक हम कल चर्चा करेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील चैतन्य चरितामृत की, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप लोग पार्टिसिपेंट्स में जाके अपना रेज योर हैंड, आप हाथ उठा सकते हैं।
या तो ऐसे भी हाथ उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, श्री राम निमाय प्रभु का प्रश्न है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। यस प्रभु। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा नमस्कार। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा प्रभु। ये आचार्य और गुरु में क्या अंतर है? आचार्य और गुरु में कोई अंतर नहीं है, एक गुरु भी आचार्य होते हैं। वो श्रील प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य में बोलते हैं कि गुरु ही आचार्य होते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। आचार्य का सीधा ट्रांसलेशन यही है, जो शास्त्रों के नियम को खुद आचरण करते हुए दूसरों को सिखाते हैं, और गुरु यही करते हैं, इसलिए गुरु और आचार्य में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से और किसी का प्रश्न है हाथ उठाइए। श्रीहरी, एक मिनट, श्रीहरि गुरु आप क्यों हाथ उठाए, प्रश्न है? कमेंट करेंगे, कमेंट कमेंट है कि क्वेश्चन है प्रभु जी? कुछ क्वेश्चन है जी। हाँ हाँ बताइए। और ये सब डांट ना है आवाज नहीं आ रहा है, थोड़ा दूर से बोलो सीहरी, थोड़ा दूर से बोलो। हाँ बोलो। अभी तो जी थोड़ा प्रश्न ये था कि हम लोग जैसे जगन्नाथ जी की लीला में सुनते हैं कि एक भक्त हुए दासा बावरी करके, ठीक है मैं प्रश्न कर रहा हूँ, मैं सुन लिया। उनका प्रश्न है कि हमने जगन्नाथ जी की कथा में सुने हैं कि दासिया बावरी जो है उन्होंने कोई गुरु का स्वीकार नहीं किए, तो कैसे भगवान को प्राप्ति किए, उनका ये प्रश्न। दासिया बावरी किसी गुरु का चरण में नहीं दिए, प्रश्न माइप्रो बताएंगे। हमने उत्तर दे दिया था, वो रिचेक कर रहा था आपसे, आप क्या उत्तर दोगे? अच्छा क्या उत्तर था बताइए मुझे भी। दासिया बावरी ने कई सारे संतों से जगन्नाथ जी का कथा पहले से सुने रखे हैं, गांव में जब संत लोग आते हैं उनसे सुनते थे, तो बिना गुरु के वो कैसे भगवान का कथा शुरू ऐसे हुआ कि दासिया बावरी संतों से कथा सुन के जगन्नाथ जी की महिमा का खूब उन्होंने सुना था, और वो महिमा सुनते सुनते इतने अटैच हो गए थे जगन्नाथ जी को, और वो जब दर्शन करना चाह रहे थे कि इतना भगवान का वर्णन हुआ है तो मैं दर्शन करना चाहता हूँ, जब दर्शन करने आए जगन्नाथपुरी तो भगवान का एक झलक उनकी आंख उनके दिमाग में बैठ गया, तो इसलिए वो जब आए बाद में वो स्टोरी आप लोगों को पता है, मटके में उनके पत्नी खाने के लिए दी, लाल मटके में राइस और बीच में साग, तो जगन्नाथ जी का आंख लगा तो एकदम भाव में नाचने लगे, तो उनको जो ये प्रेम प्राप्त हुआ ये संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं कनेक्शन सबका संतों से गुरु से होता है, साधुओं से, नहीं तो प्राप्त नहीं होता है। ठीक है और किसका प्रश्न है, और किसी का प्रश्न है? आप गोपाल घनश्यामपुर है क्या लाइन पे, अजमेर से गोपाल घनश्यामपुर है लाइन पे? नहीं पता नहीं। अच्छा श्रीहरि का और प्रश्न हो हाथ उठा रहे हैं, ठीक है मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। श्रीहरि ये रूम में आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। श्रीहरि बो के लिए मेरा भी प्रश्न है बहुत सारे, ये रूम में आओ। ठीक है और किसी का प्रश्न है हाथ उठाइए। ओके उमेश प्रभु का प्रश्न है, हाँ उमेश प्रभु बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये संबंध ज्ञान में बताया मदन मोहन और गोविंद गुरु, ये प्रभु जी ये तीनों का थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था। ये तीन आप चैतन्य चरितामृत में जाइए, और चैतन्य चरितामृत में आपको 47 नंबर श्लोक आदि लीला का पहला अध्याय, तो आपको उसमें उत्तर उसमें लिखा हुआ है, आप पढ़िएगा, नहीं समझा तो पूछिएगा बाद में। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 47 47 पहला चैप्टर का 47 नंबर श्लोक के लास्ट पैराग्राफ में आप पढ़ सकते हैं। जी प्रभु जी, प्रभु जी एक एक निवेदन था। हाँ हाँ प्रभु जी, कथा थोड़ा सा जब कोई पॉइंट थोड़ा सा स्लो स्पष्ट किया करो, थोड़ा जल्दी में क्या हम लिख नोट नहीं कर पाते प्रभु जी। आप प्रभु जी वापिस हम पढ़ते ना इसको,
तो बराबर फिर क्या दिमाग में रहता नहीं प्रभु जी, हम वापिस इसको 2-3 बार रिवीजन पढ़ते हैं प्रभु जी वापिस। अच्छा जी, आप स्पीकर को रोक रहे हो क्या ना, स्लो में बोलने के लिए? ना प्रभु जी, देखिए कलयुग का एक बीमारी ये है, जब आप स्लो बोलेंगे तो व्यक्ति बोर होके सो जाता है, अरे अगले क्या है, अगला क्या है, अगले क्या है, जल्दी नहीं बोलता है, सस्पेंस में रखता है ऐसा। तो हमारा इतना जितना तीव्र नहीं है ना प्रभु जी आपकी तरह। और दूसरा, नोट्स बनाने के लिए एक तरीका है, नोट्स कभी पूरा नहीं लिखा जाता है, नोट्स क्या होते हैं जो हिंट मिला, जैसे कि मैंने संबंध के अभी लेके